दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है IPL की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके लिए ऑक्शन 23 दिसंबर को कोचीन में होनी थी जो पूरी हो चुकी है। ऐसे में ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होती हुई दिखी, खिलाड़ियों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे गए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे ऐसे खिलाड़ियों के नाम जो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में सबसे अव्वल पर हैं। जानेंगे पूरी जानकारी और पूरी लिस्ट, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और इस तरह स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं अब तक के IPL में कमाई के मामले में सबसे अव्वल खिलाड़ियों के बारे में। IPL में सबसे ज्यादा कमाने के मामले में रोहित शर्मा सबसे आगे हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा IPL में कमाई के मामले में बाकी सबसे बेहद आगे निकल गए हैं। यहां तक कि उन्होंने धोनी और विराट कोहली तक को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान और ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL में अब तक 178.6 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि बाकी किसी भी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही रोहित शर्मा IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें, रोहित शर्मा IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तान भी हैं, जिसने अब तक IPL में मुंबई की तरफ से कप्तानी करते हुए 5 बार ट्रॉफी उठाया है। इसके साथ ही मजे की बात यह है कि रोहित शर्मा ने मुंबई की तरफ से खेलने से पहले डेक्कन चार्जर्स से खेलते हुए 1 बार ट्रॉफी जीती है, जिसे मिलाकर कुल 6 ट्रॉफी हो जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो इस पर महेंद्र सिंह धोनी काबिज है। IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर थाला यानी महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और आगामी सीजन में भी वह चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी IPL के शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। IPL के शुरुआती सीजन में धोनी सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। वहीं धोनी ने अब तक IPL से कुल 176.8 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा है। यानी धोनी IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें, महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं, जो IPL के शुरुआती साल से कप्तानी करते हुए 4 बार ट्रॉफी उठाने का कारनामा किया है। बता दें, IPL में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में तीसरा नाम RCB के पूर्व कप्तान और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का है। कमाई के मामले में वह धोनी और रोहित शर्मा से पीछे छूट गए हैं। विराट कोहली शुरुआत से ही RCB के साथ जुड़े हुए हैं। विराट कोहली ने अब तक IPL से 173.2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस हिसाब से वह IPL में सबसे ज्यादा रुपए कमाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, यह तीनों ही खिलाड़ी आपको आगामी IPL 2023 सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे, जहां महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालेंगे, तो वहीं मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे। वहीं विराट कोहली की बात करें तो वह एक बल्लेबाज के तौर पर RCB की तरफ से खेलेंगे। दोस्तों, यह थी ऐसे टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम जो अब तक IPL में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। अगर इस पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।